नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइव्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को कुछ दिनों पहले डेंगू होने की खबर सामने आई थी। इसके बाद अब एक्टर बिग बॉस के वीकेंड का वार में भी नजर आ चुके हैं। जानकारी आई थी कि उनकी फिल्मों की शूटिंग भी रोक दी गई। फिलहाल हालिया एपिसोड में सलमान ने एक बार फिर से बिग बॉस में री एंट्री की। इस दौरान उन्होंने खुद को डेंगू से रिकवर होने का एक्सपीरियंस शेयर किया। सलमान खान बीते शुक्रवार को वीकेंड का वार होस्ट करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने बताया कि उन्हें डेंगू हो गया था और वो रिकवर हो रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। चूंकि वे थोड़ा रिकवर महसूस कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने दोबारा बिग बॉस की शूटिंग शुरू करने का फैसला लिया। बता दें कि सलमान खान की एब्सेंस में इस शो को करण जौहर ने होस्ट किया, लेकिन उस दौरान लोगों ने उन पर पक्षपात के आरोप लगाए और उनके साथ फैंस जल्द ही सलमान की शो में वापसी चाहने लगे। सलमान खान ने बिग बॉस होस्ट करने के दौरान बात करते हुए कहा, मुझे डेंगू था, मैं अभी भी ठीक नहीं हूं, लेकिन चूंकि आज मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूं, इसलिए मैं अपनी शूटिंग सेट पर वापस आ चुका। आपको बता दें कि बिग बॉस 16 में इस वक्त काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। सलमान लगातार इस शो की मेजबानी कर रहे हैं और फैंस को सलमान बिग बॉस में हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पर नजर आते हैं। बात करें अगर सलमान खान के वर्क फ्रंट की, तो एक्टर की कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं और इसी बीच उनकी फिल्म किसी का भाई तो किसी की जान की रिलीज डेट बदलकर अगले साल ईद पर कर दी गई है। वहीं टाइगर फ्रेंचाइजी की फिल्म टाइगर 3 भी अब अगले साल दिवाली के मौके पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज के लिए इस खास वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।